गुड आफ्टरनून क्लास 7। हीट एंड टेम्परेचर, ये टॉपिक मैम ने आपको करा दिया है। मैं आज आपको इसका रिवीजन कराने जा रहा हूँ। रिवीजन वीडियो है, समझ लीजिए आप। हीट एंड टेम्परेचर, तो सबसे पहले आते हैं, व्हाट इज हीट? हीट क्या होता है? हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी तो आपने सुना होगा, एनर्जी के भी डिफरेंट फॉर्म होते हैं, लाइट एनर्जी, विंड एनर्जी एंड डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी। तो हीट भी एक एनर्जी है, सोलर एनर्जी। तो हीट भी एक एनर्जी है, यानी इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ड्यू टू विच वी फील द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ड्यू टू विच वी फील सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। कैसे, आखिर हमें हॉटनेस कोल्डनेस फील होता है? बहुत गर्मी भी लगती है, बहुत ठंडी भी लगती है। अब आपको पता है समर के टाइम में हॉटनेस क्यों फील होती है? सन की रेडिएशन बहुत हाई होती है, सन से जो एनर्जी आ रही हीट, वो रेडिएशन के थ्रू आ रही है। दैट मेथड इज कॉल्ड रेडिएशन। अभी आप इसी चैप्टर में मोड ऑफ हीट ट्रांसफर स्टडी करेंगे। तो सन से जो हीट आ रही है वो थ्रू रेडिएशन आ रही है, थ्रू रेडिएशन, और उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, स्पीड ऑफ लाइट से आती है। बहुत फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है वो, 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, यानी बहुत फास्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है वो। तो जो हीट आ रही है सन से, उसके वजह से क्या हुआ हो? समर के टाइम में बाहर सराउंडिंग का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, यानी हमारी बॉडी से भी ज़्यादा। अगर बाहर का सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा, तो हमारी बॉडी से हीट सराउंडिंग में जाएगी या सराउंडिंग से हीट हमारी बॉडी में आएगी? यस, बाहर का जब टेम्परेचर ज़्यादा है तो बॉडी हीट जो एनर्जी है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज़ फ्रॉम द हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी मूव करता है। मीन्स हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर वो फिजिकल क्वांटिटी है जो कि मेजर करती है कि कोई बॉडी कितनी हॉट है या कितनी कोल्ड है। तो व्हाट इज टेम्परेचर? इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच मेजर द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी। अब हीट एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है? एक बॉडी का टेम्परेचर हाई, एक का लो है, तो बॉडी हाई से लो की तरफ जाएगी। तो सराउंडिंग का अगर टेम्परेचर ज़्यादा है समर में, तो वहाँ से हीट हमारी बॉडी में जाएगी, तो हमें क्या लगेगा? हमें हॉट फील होगा, यानी वी फील द हॉटनेस। तो सेंसेशन ऑफ हॉटनेस मीन्स सामने अपने फायर आग जलाई, तो उससे क्या मिलेगी आपको? हीट एनर्जी मिलेगी, आपको हॉट लगेगा, क्योंकि वहाँ से हीट आपकी बॉडी में आ रहा है, वी फील द हॉटनेस। और अगर सामने आइसबर्ग है, आइस का पीस हो बहुत बड़े, तो क्या होगा? उसका टेम्परेचर कम है, हमारा टेम्परेचर ज़्यादा है, तो हमारी बॉडी से उसमें हीट जाएगी। अगर हमारी बॉडी से हीट बाहर निकलेगी, तो वी फील द कोल्डनेस। और ठंडी बहुत ज़्यादा तब लगती है जब ज़्यादा हीट निकलती है, बहुत तेज निकलती है। क्यों? जब टेम्परेचर का डिफरेंस ज़्यादा होगा तो और ठंडी लगेगी। क्यों? बहुत तेज हीट, जब हीट रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, यानी पर सेकेंड आपकी बॉडी से जितनी ज़्यादा हीट निकलेगी, आपकी एरिया पे डिपेंड करता है। हम क्या करते हैं? वुलन कपड़े पहन लेते हैं, सो डेट कि हमारी बॉडी से हीट बाहर ना जा सके। जाएगी तब भी बहुत कम अमाउंट में, बट बहुत कम अमाउंट में जाएगी तो बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं लगेगी। मीन्स जितनी ज़्यादा हीट एनर्जी आपकी बॉडी से सराउंडिंग में जाएगी, आपको कोल्डनेस फील होगा। तो इसीलिए क्या होता है कि हीट के ट्रांसफर पर डिपेंड करता है कि आपको हॉटनेस या कोल्डनेस फील होता है। अगर आप में हीट आएगी आपकी बॉडी की टूवर्स, तो वो आपको क्या फील होगा? हॉटनेस। और आपकी बॉडी से हीट बाहर जाएगी, तो आपको कोल्डनेस फील होगा। तो व्हाट इज हीट? क्लियर हो गया। एंड टेम्परेचर भी आपको मैंने बता दिया, व्हाट इज टेम्परेचर? इट इज द फिजिकल क्वांटिटी विच मेजर द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। ये वो क्वांटिटी जिसकी हेल्प से हम मेजर कर सकते कि बॉडी कितनी हॉट है और कितनी कोल्ड है ना? फायर हॉट, आइस कोल्ड, तो ये चीज है। आगे टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कुछ थर्मोमीटर डिवाइस, जैसे को क्या कहते हैं? थर्मोमीटर कहते हैं। थर्मोमीटर इज द डिवाइस विच मेजर द टेम्परेचर। थर्मोमीटर से हम टेम्परेचर मेजर करते हैं। तो टेम्परेचर किससे मेजर करते हैं? थर्मोमीटर से मेजर करते हैं। अब थर्मोमीटर जो होता है वो डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोमीटर होता है, लेकिन अभी आपके कोर्स में है, मैं 3 बता रहा हूँ, ठीक है? तो आपके कोर्स में 3 बता रहा हूँ। एक है कैल्विन स्केल, एक डिग्री सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल। के फॉर कैल्विन एंड सी फॉर वही डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये कैल्विन होता है, ये डिग्री सेल्सियस स्केल और ये फ़ारेनहाइट, जो आपके घरों में थर्मोमीटर आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए करते हैं ना, फीवर मेजर जिसे करते हैं, तो उससे आपको डिग्री फ़ारेनहाइट से मेजर करते हैं। तो कैल्विन, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट।
अब इनमें रिलेशन कैसे निकलता है? तो देखो, आपको डिग्री सेल्सियस का पता है, डिग्री सेल्सियस क्या है? आपको पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? वाटर और आइस, है ना? अगर 0 डिग्री सेल्सियस बिलो टेम्परेचर हो जाए तो वाटर आइस बन जाता है, और 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस मेल्ट होकर वाटर बनेगा, और एट 100 डिग्री सेल्सियस क्या होगा? वाटर वाटर से स्टीम बनेगा, वेपर फॉर्म होगा, ठीक है? और यहाँ वाटर से आइस बनेगा, इसको फ्यूजन कहेंगे, और इसको वेपराइजेशन कहेंगे, वेपर फॉर्म में। तो दिस इज 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपर बनेगा, वेपराइजेशन, और ये फ्यूजन होगा वाटर से आइस। तो ये आपके मान ली जाते हैं, ये है आपका लोअर पॉइंट और ये है अपर पॉइंट, डिग्री सेल्सियस का लोअर पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस और का 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? अब आपको रिलेशन फाइंड करने का एक बहुत अच्छा शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ मैं, कैसे करते हैं। तो जो डिग्री सेल्सियस स्केल है, लिख दिया डिग्री सेल्सियस के माइनस लोअर पॉइंट क्या है 0 अपॉन अपर क्या 100 माइनस लोअर, याद रखना फॉर्मूला। यानी कोई स्केल अगर एक्स है, जनरली एक्स मान लिया, एक्स माइनस लोअर पॉइंट उसका क्या है, यानी जहां पे वो वाटर साइज में कन्वर्ट हो रहा है, अपॉन अपर माइनस लोअर, अपर क्या है जहां पे वो वाटर से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो कोई स्केल, चाहे वो डिग्री सेल्सियस स्केल है, लोअर पॉइंट मीन्स 0 डिग्री सेल्सियस वाटर साइज बन रहा है, अपर वाटर से वेपर बन रहा है माइनस लोअर, ये एक यही सही तरीका है स्केल में रिलेशन फाइंड करने का। तो ये डिग्री सेल्सियस हो गया, वैसे डिग्री फ़ारेनहाइट में यहाँ पे लोअर पॉइंट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, तो 32 अपॉन अपर पॉइंट होता है 212 माइनस 32। और कैलविन में क्या होता है, यहाँ लिख देता हूँ, कैलविन में होता है के, 0 की जगह हो जाता है वहाँ 273.15, तो 0.15 नहीं लिख रहे, अपॉन 373 माइनस 273। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट स्केल। अब कैसे फाइंड करते हैं? जैसे मैंने कहा आपको कि डिग्री सेल्सियस में आपको कहा कि 15 डिग्री सेल्सियस को, चलो आपको इजी कर देते हैं इसको, 27 डिग्री सेल्सियस को कैलविन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे? देखो, जहाँ डिग्री सेल्सियस आपको क्या करना है, वहाँ डिग्री सेल्सियस की वैल्यू रख देनी है। तो क्या है 27, तो रख देते हैं के माइनस, कैल्विन और डिग्री सेल्सियस में रिलेशन निकालना, तो ये दोनों फार्मूला, के माइनस 273 अपॉन 373 माइनस 273 कितना होगा 100 हो गया, सी की जगह रखना है 27, गिवन है डिग्री सेल्सियस में 27 माइनस 0, तो ये 0, 27 माइनस 0 तो 27 हो जाएगा, 100 माइनस 0 100 आएगा, तो ये माइनस 0 हटा देता हूँ। अब आप इसको क्या करना है, ये 100 से 100 कैंसिल, ये 273 माइनस में उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, के इज इक्वल टू 27 प्लस 273 दैट इज 300, दैट मीन्स 300 केल्विन। इसका मतलब है कि 27 डिग्री सेल्सियस, यानी सी की जगह 27 रख देना है और के निकाल लेना है, तो के आपका आ जाएगा 300 केल्विन। इतनी मैथ्स तो आती होगी ना आपको, माइनस प्लस डिवाइड, ओके? अब आपसे मैंने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछना है, क्या एट व्हाट टेम्परेचर फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस की रीडिंग सेम है ना, यानी कि डिग्री फ़ारेनहाइट में भी एक्स रीडिंग सेम और डिग्री सेल्सियस में भी सेम, तो कितने टेम्परेचर पे होगा? यानी बताना होगा कि आपको 30 डिग्री सेल्सियस पे, -30 पे, -40 या 40। तो क्या करना है, दोनों की रीडिंग सेम, मतलब एक्स मान लेते हैं, इसकी भी एक्स और इसकी भी एक्स, दोनों की सेम, तो यहाँ पे दोनों का रिलेशन है, रख देते हैं, तो सी की जगह भी एक्स रख देते हैं, -0 अपॉन 100 -0 यानी 100, एफ एफ की जगह भी एक्स रख देते हैं, -32 अपॉन 212 -32 कितना 180, माइनस करने पर 180 आएगा। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, एक्स -0 तो एक्स हो गया, अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, वी गेट 180x इधर मल्टीप्लाई हुआ, ये इधर इक्वल टू 100x माइनस 32, 100 100x इधर आकर के माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 80x, 180 में से 100 माइनस होगा तो 80x आ जाएगा, और यहाँ पर आपका माइनस 3200, एक्स इज इक्वल टू -3200 अपॉन 80 दैट इज -40। इसका मतलब यह है कि -40 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये होता है, क्लियर? -40 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू -40 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो आपको क्लियर हो गया हीट क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर को मेजर कैसे करते हैं, ये स्केल आपको स्टडी करना है, ये फॉर्मूला याद रखना है, जिससे आप बड़े बड़े लेवल के क्वेश्चंस कर सकते हो, यही बेसिक फॉर्मूला है।
क्या क्या फॉर्मूला होता है, कोई भी थर्मोमीटर का जो स्केलिंग होती है, जैसे वो एक्स मान लिया, एक्स के भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, एफ भी हो सकता है, और भी स्केल हो सकते हैं, एक्स माइनस लोअर वैल्यू अपन अपर माइनस लोअर, वही किया है कैल्विन स्केल में, एक्स की जगह के लोअर वैल्यू -273 यानी 273 कैल्विन पे वाटर आइस में कन्वर्ट होता है, अपॉन अपर यानी 373 कैल्विन पे वाटर स्टीम में कन्वर्ट होता है, माइनस लोअर 273 डिग्री सेल्सियस में कहेंगे तो डिग्री सेल्सियस में एक्स की जगह डिग्री सेल्सियस माइनस लोअर वैल्यू क्या है 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर आइस बनता है, अपर 100 डिग्री सेल्सियस में वाटर स्टीम बनता है माइनस लोअर, वैसे डिग्री फ़ारेनहाइट में एफ -32 अपॉन अपर 212 माइनस लोअर 32, ये बेसिक फार्मूला होता है किसी भी स्केलिंग के लिए, यानी कोई भी जनरल स्केल के लिए ये होता है। तो होपफुली आपको ये समझ आया होगा, ये आपको एडिशनल रिवीजन करा रहा हूँ मैं, और नहीं समझ आया तो क्यों नहीं आया, क्योंकि एक बार आपने वीडियो देखी होगी, कोई साइंस और मैथ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो 3 से 4 बार आपको वीडियो देखनी ही है, नोट्स बनाने हैं, प्रैक्टिस करनी है, तब आता है आपको। ओके okay?